अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। बिगड़ने का मालूम नहीं लेकिन मौसम बदल जरूर गया है। शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके फैंस के लिए इससे बड़ा गिफ्ट शायद ही कोई हो। 4 साल का जो सूखा है वो फाइनली खत्म। जी हाँ, ये फिल्म शाहरुख खान फैंस के लिए वैसी है जैसे तपते रेगिस्तान में किसी इंसान को पानी मिल जाए, सिंगल लड़कों को आखिरकार एक गर्लफ्रेंड मिल जाए, ठंड में गर्मा गर्म हॉट कॉफी मिल जाए और छछुंदर को चमेली का तेल मिल जाए। मतलब एक्शन, स्वैग, भौकाल और सब मिलाकर ये टीजर वैसा ही था जैसा शाहरुख ने खुद बताया। बोले तो टीजर की शुरुआत होती है बैकग्राउंड में एक आवाज से जो पूछती है, क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? तब हमें मालूम पड़ता है कि 3 साल पहले उसको पकड़ लिया गया था और काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन क्योंकि पठान फिल्म का हीरो है तो इतने टॉर्चर के बाद तो वो बोलेगा ना भाई जिंदा है। इसके बाद दनादन एक्शन पे एक्शन। तुम एक फ्रेम देखने की कोशिश करते हो, टीजर तुम्हारे मुंह पे 4 और एक्शन सीन्स फेंक कर मारता है। टॉम क्रूज भैया को फुल कंपटीशन दिया है, वहीं जॉन और दीपिका के साथ शाहरुख का नया लुक भी नजर आता है जो इस रोल में परफेक्ट लग रहा है। यही नहीं, टीजर के साथ जो वाइब आ रही है उसमें थोड़ा डॉन 2 का भी वाइब आ रहा है भाई साहब। अब क्योंकि ये स्पाई वर्ड्स की मूवी है तो देखो देशभक्ति तो होगी, लेकिन शाहरुख की पेट्रियोटिक मूवीज थोड़ी अलग होती है, इसमें वो झलक नजर आती है। जासूसी मूवीज के अंदर एक बात और होनी चाहिए और वो है कहानी, वो भी इस फिल्म में जो ऑलरेडी एक यूनिवर्स का पार्ट है। क्या इस मूवी की कहानी जस्टिस कर पाएगी? क्योंकि 1 मिनट के टीजर में तो कुछ खास मालूम नहीं पड़ा। फिर भी उम्मीद यही है कि शाहरुख खान का ये जो रिटर्न है वो किंग खान के थ्रोन को दोबारा से खड़ा करे। वो शाहरुख जिनका जलवा बॉक्स ऑफिस पर ऐसा था कि उनकी फिल्मों के आसपास कोई मूवी रिलीज भी नहीं करता था। वो शाहरुख जिनकी मूवीज अपने आप में एक इवेंट बन जाती थी, इस मूवी में भी वो पोटेंशियल नजर तो आ रहा है और फिल्म का स्कोप भी बढ़ जाता है क्योंकि इस यूनिवर्स में इसके बाद की मूवी है सलमान खान की टाइगर 3। तो ब्रो, क्या हमको इसमें सलमान खान भी पोस्ट क्रेडिट में नजर आएंगे? क्योंकि बॉस रूमर्स तो तगड़े हैं। वहीं इस टीजर के डायलॉग्स भी बढ़िया लग रहे हैं, जैसे कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। इसके VFX भी कड़क दिख रहे हैं। मूवी के अंदर बड़े बड़े सीक्वेंस होंगे जो इसमें हिंट दिया जा रहा है और आपको स्पेसिफिक सिनेमा घरों में जाकर देखने को बोला भी जा रहा है। इसका मतलब समझे विनोद? विनोद छोड़ो, तुम समझे। डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए एक और फायदे की चीज है, My11 Circle ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। वर्ल्ड कप चालू है, हर मैच से पहले मिलकर उस पर अपनी टीम बनाएंगे और आपको बढ़िया सी थार जितवाएंगे, खूब सारा कैश प्राइज जीतने का भी आपको मौका मिलेगा और 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी। मैं तो बोलता हूँ पिक्चर रिलीज होने से पहले खूब सारा कैश कमा लो, फिर महंगी वाली थिएटर में मस्त स्क्रीन पे इस पिक्चर को देखेंगे। क्या समझे? आज भी इंडिया का मैच है, कल भी इंपॉर्टेंट मैच है, आगे भी आने वाले दिनों में इंडिया खेलने वाली है, तो हर मैच से पहले आप टीम बनाओ और मस्त कैश प्राइज जीतने का मौका पाओ। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। और याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। सब मिलाकर ये शाहरुख खान का वो रिटर्न है जिसके लिए हमें 4 साल का इंतजार करना पड़ा है। ये कहानी जितनी बड़ी है उससे भी बड़ी है वो उम्मीद जो शाहरुख से उनके फैंस को है। तो क्या लगता है, ये उम्मीद शाहरुख खान की ये फिल्म पूरी करेगी? क्या इस फिल्म में भी शाहरुख खान बाहें खोले वो वाला सीन देंगे जो कल अपने बर्थडे के टाइम अपने घर के बाहर से अपने फैंस को दे रहे थे? आप अगर उनके फैन हैं तो आपको इस फिल्म से सबसे ज्यादा उम्मीद क्या है और टीजर देख के आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है? जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, अपना नाम भी जरूर लिखना और लोकेशन भी कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। बाकी किंग खान को हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ यहीं पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, समझे? बूम।